अभी आपको जैसे अगर एवरेज कही जाए ओवर टाइम मिला के एवरेज कितनी सैलरी पड़ जाती है दुबई में, उसमें आप अभी काम के हालात कैसे हैं अभी? हाँ जी, अब एक लास्ट बात और बता दो कि जैसे यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए आपको कितना खर्चा आया दुबई में लाइसेंस ड्राइवरी का ऑपरेटर का लेने के लिए? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्किल बी मोबाइल ऐप पर आई जॉब वैकेंसीज के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें कि ड्राइवर, अकाउंटेंट, हेल्पर, वेल्डर्स, ऐसी बहुत सारी जॉब वैकेंसीज आई हुई हैं। ऐसी जॉब वैकेंसीज के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। स्किल बी स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग यूएई में हैं विजिट वीजा पर या कैंसिल वीजा पर और जॉब की तलाश कर रहे हैं। डाउनलोड स्किल बी मोबाइल ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड अप्लाई जॉब डायरेक्टली फ्रॉम योर मोबाइल। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि बहुत सारे भाई जानना चाह रहे थे दुबई में जेसीबी वाले जो ऑपरेटर हैं, जेसीबी मैकेनिक है, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी जॉब के बारे में, तो मैं भी एक भाई से मिल रहा हूं जो कि जेसीबी का काम करते हैं, जेसीबी ऑपरेटर हैं। उनसे मैं बातचीत करूंगा, वो बताएंगे कि दुबई में जेसीबी ऑपरेटर की लाइफ कैसी होती है, जेसीबी का काम कैसा होता है, उनकी लाइफ के बारे में, सैलरी के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। तो मैं अभी भाई से बातचीत करूंगा, ये बताएंगे कैसे कि इनको सैलरी मिलती है, कितना खर्चा इनका होता है महीने का, कितनी सेविंग जेसीबी के काम में होती है। तो गाइस वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना और ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। तो भाईजान थोड़ा बिजी भी हैं अभी, थोड़ा जेसीबी में थोड़ा काम भी कर रहे हैं अभी, आप देख सकते हैं। तो ऑपरेटर हैं, मैकेनिक हैं, ऑल इन वन हैं, सारे काम खुद ही कर लेते हैं। तो बीच बीच में इनसे बातचीत करूँगा और ये अपना काम भी करते रहेंगे साथ साथ। पाजी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाजी की नाम है? मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद पाजी, तुझे कितना? पाकिस्तान। अच्छा, ये मोहम्मद पाजी हैं, पाकिस्तान से हैं। पाकिस्तान कौन सी जगह से पाजी? पाकिस्तान गुजरात से। अच्छा, ये पाजी आपको अभी दुबई में कितना टाइम हो गया? दुबई में तकरीबन हो गए 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। तो दुबई आप जब सबसे पहले आए थे तो कैसे आए थे, कौन से वीज़ा पे आए थे? मैं तो सही जो वीज़ा पे नहीं आया। अच्छा, आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आए थे जैसे? ठीक है। तो अभी आपकी यहाँ पर जॉब कैसी है, मतलब जेसीबी ऑपरेटर हैं आप? जी। अच्छा, और साथ साथ आप मैकेनिक का भी मैं देख रहा हूँ आप काम कर लेते हैं साथ ही? बस थोड़ा जो है ना साथ छोटा मोटी जो मरम्मत है आपने आप ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप जैसे जेसीबी का जो काम है दुबई में, उसमें आप अभी काम के हालात कैसे हैं अभी? काम के हालात तो अभी काफ़ी जो है ना डाउन जा रहे हैं। अच्छा, तो इसलिए कर रहा कम हो गया है कोरोना की वजह से? जी, कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम पे फर्क आ गया, इसलिए बहुत काम खराब है। अच्छा, तो ज़्यादातर आप जैसे ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ही रहते होंगे, जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं उधर ही? अभी ये साथ ये बिल्डिंग है इसका। अच्छा, काम कर रहे हैं ये बिल्डिंग में पाजी, काम कर रहे हैं अभी। अच्छा, ठीक है। आज जुम्मे का दिन है इसलिए फिर थोड़ा सा मेंटेनेंस। हाँ, जुम्मे का दिन अपना मेंटेनेंस के लिए और अपना जो भी टाइम है काम का, जो बाकी के रहते हैं गाड़ी से रिलेटेड वो कर लेते हैं। अच्छा मोहम्मद पाजी, आप ये बताओ कि जैसे आपकी ड्यूटी टाइमिंग वगैरह कैसे रहती है काम में? ड्यूटी टाइमिंग तो ठीक है, सुबह हम आते हैं तकरीबन 5 बजे छुट्टी हो जाती है शाम को। हाँ। सुबह कितने बजे आते हैं? सुबह तकरीबन 4:30-5:30 बजे निकलते हैं जी घर से, क्योंकि शारजा से आते हैं फिर वहाँ से आने। अच्छा, शारजा रहते हैं, 2 घंटे आने लग जाते हैं जी। जी सुबह 7 बजे शुरू होता है काम ऐसे है? जी 7 बजे 7 से 5 ड्यूटी रहती है। ठीक है, और बीच में लंच ब्रेक रहता होगा जैसे? 1 घंटा लंच ब्रेक रहता है। तो मोहम्मद पाजी अभी सैलरी के बारे में बताओ, सैलरी जेसीबी ऑपरेटर की सैलरी कितनी पड़ जाती है दुबई में? सैलरी अभी आ रही है 2000, कोई ज़्यादा भी दे रहा है कोई कम भी दे रहा है, नॉर्मल जो है 2000 चल रही है, मतलब एवरेज सैलरी 2000 दिराम है जी। और अच्छा, तो मोहम्मद पाजी ओवर टाइम कैसे रहता है? ओवर टाइम तो फिर लगाने पे ही है, जब लगाएंगे तो वो जितना लगाएंगे वो मिलेगा उसका जो है। अच्छा, वो मतलब कि ऑपरेटर के ऊपर है, कंपनी बोलेगी या तो आप भी लगा सकते हैं जी। तो अभी आपको जैसे अगर एवरेज कही जाए ओवर टाइम मिला के, एवरेज कितनी सैलरी पड़ जाती है ओवर टाइम? अभी तो लगता नहीं है, पहले लगता था जब तो जब काम था। अच्छा, काम था तो पहले कितना लगता था जैसे अंदाजा? 500-1000 इतना बन जाता था एक्स्ट्रा। अच्छा, मतलब कि कोरोना से पहले 2500 से 3000 दिराम तक सैलरी बन जाती थी जी। और कोरोना के बाद अब सिर्फ 2000 दिराम है क्योंकि ओवर टाइम नहीं है। वो भी बहुत मुश्किल से, अभी तो दे नहीं रहे, काम चल रहा है। अच्छा, मिल नहीं रहा काम, आगे मिलेगा तो ये 3-4 मशीनें खड़ी हुई हैं यहाँ पर। अच्छा, 3-4 मशीनें खड़ी हैं, मतलब काम नहीं है और सारी ट्रांसपोर्ट का जो है इसी तरह काम है, अभी कम चल रहा है बहुत। अच्छा जी, तो जैसे कोई अगर अपना बिजनेस करना चाहे तो अभी हालात कैसे हैं बिजनेस के लिए भी? मुझे लगता है कि सही नहीं है।
बिजनेस तो फिर अपने नसीब की बात है जी। अच्छा, पर दुबई में बिजनेस करने के लिए अच्छी जगह है? हाँ बहुत अच्छी है, टेंशन वाली बात नहीं है, अगर बंदे का दिल सही हो नीयत तो। अच्छा, तो काम बहुत है दुबई, काम बहुत है दुबई में। हाँ। सही कह रहे हैं। तो भाईजान आपने बताया जैसे अभी 2000 से लेके 2500 दिरहम तक सैलरी मिल जाती है ऑपरेटर को, और महीने में खर्चा कितना का आता है? खर्चा अगर तकरीबन 400-500 दिरहम आ जाता है, और उसमें अपनी। अच्छा, बाकी अपने ऊपर भी है किसी। हाँ। के अगर नवाबी शौक हो तो फिर पूरी सैलरी लगा दो है जी। देरा घूमना है, उधर किधर घूमना है। तो पाजी जैसे 500 दिरहम खर्चा है, खाने का हो गया, फोन का हो गया, कभी यार दोस्त के मिलने चले गए, ठीक है 500 दिरहम है खर्चा जी, जी। तो आप पाकिस्तान फिर कितने पैसे भेजते हैं आप पाकिस्तान? ज्यादा ज्यादा भी बचत करेंगे ना तो इधर खर्चा खर्चा निकाल के 50,000-70,000 इतना तक भेजना। 70,000 पाकिस्तानी रुपीस तक भेज देते हैं आप, ठीक है। अब वही इंडिया में 35,000 के करीब हो जाते हैं जी, जी। तो मोहम्मद भाजी आप एक बात और बताओ, जिसे देखने वालों के लिए कोई जेसीबी वाले या कोई आना चाहते हैं जेसीबी के काम में, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे इस काम के बारे में और दुबई आने के लिए इसके बारे में? वो काम शाम तो ठीक है, अभी जो कोई भी बंदा अगर बाहर से आए तो उसके लिए बहुत अच्छा है, वीज़ा शीज़ा लगवा के सिस्टम पे आए तो उस काम अच्छा है ये जेसीबी का, जो भी अगर आता है कहीं। अच्छा। से भी आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं उसके लिए। तो मुल्क में कितने के साल ऑपरेटरी करके फिर आना चाहिए? मुल्क में तो जब कोई ऑपरेटर है ठीक है, नहीं तो इधर तो फिर आके दोबारा लाइसेंस लेना पड़ता है ना इसका। अच्छा, लाइसेंस तो लेना पड़ता है, पर गाड़ी के बारे में बेसिक नॉलेज के लिए और थोड़ा इन्फॉर्मेशन, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी तो होनी चाहिए ना, मालूम तो होनी चाहिए, तकरीबन इतनी होनी चाहिए कि बंदे को ये पता हो कि इसका चलने का कैसा तरीका है, ये वो सब कुछ इसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी तो कोई टेंशन नहीं है। इधर आके फिर दोबारा लाइसेंस लेगा, वो यहाँ से पास होगा फिर ये इस पे। अच्छा, वो कोई मुश्किल नहीं है इधर भी ऐसी। अच्छा मोहम्मद भाजी, अब एक लास्ट बात और बता दो कि जैसे यहाँ पे लाइसेंस लेने के लिए आपको कितना खर्चा आया दुबई में लाइसेंस ड्राइवरी का ऑपरेटर का लेने के लिए? लाइसेंस वो अपनी किस्मत पे तकरीबन 6,000 दिरहम आ जाता है, 6,000-7,000 भी आ जाता है। 6,000-7,000 दिरहम? हाँ जी। ऑपरेटर का लाइसेंस लेने के लिए जी? तो ये तो गाड़ी के लाइसेंस जितना हो गया, जितना कार का लाइसेंस इतना ही है, सेम वही है, सेम इसी का यही है, 3 नंबर लो, 8 नंबर लो, कोई भी लेना इतना तकरीबन खर्चा आ जाता है, 6,000-7,000 दिरहम जी। मोहम्मद भाजी आप एक बात बताओ कि जैसे अपने मुल्क जाना है 2 साल बाद तो उसकी टिकट कंपनी देती है? उसकी जो बड़ी कंपनी है ना वो तो कंपनी की टिकट होती है, जो छोटी कंपनी है फिर वो उसकी टिकट जो है ना खुद लेनी पड़ती है। अच्छा, वो खुद लेनी पड़ती है। हाँ। और मोहम्मद पाजी जैसे अभी रहना सहना है तो वो अकोमोडेशन कंपनी देती है, और रूम में कितने बंदे रहते हैं? रूम में तकरीबन 6 भी होते हैं 9 भी होते हैं, और वो कंपनी का रूम शूम होता है। अच्छा, रूम कंपनी का होता है, बाकी अपना। अच्छा, खाना अपना है? हाँ, रूम रेंट सब कुछ उनका है। और खाने का राशन सामान गैस चूल्हा वगैरह वो लेके देते हैं अगर ठीक है, बाकी खाने का जो सिस्टम है वो राशन अपना है। राशन अपना है। अच्छा मोहम्मद पाजी, थोड़ा आप ये बताओ कि जैसे ये मशीनी जो ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि ये बोबकैट होगी और जेसीबी शावल ऑपरेटर, जो 4-5 मशीनें होती हैं कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती हैं, उसमें सैलरी कैसे रहती है? सैलरी मशीन पे है, जो मशीन छोटी है उसकी कम है, जो बड़ी है उसकी। तो जैसे बोबकैट की? बोबकैट की है 2,000 है। अच्छा, बूम लोडर की फिर वो उससे आगे कोई 2,000 भी है, ज़्यादा भी देते हैं। अच्छा ठीक है, और जो एक्सीवेटर है उसकी कुछ तकरीबन 3,000 तक है। 3,000 दिरहम? हाँ। अच्छा, तो यही 3-4 मशीनें हैं जो इस दिन की फिर मुस्लिम। लोडर वगैरह रहते हैं जैसे वो जी? वो लोडर रहते हैं ना, लोडर बड़े वाले लोडर रहते हैं वो जो बड़े वाले हैं, उसके भी इतने ही है तकरीबन। शावल बोलते हैं ना, शावल। हाँ, शावल की तकरीबन वो भी 3,000-2,500-3,000 चल रही है। अच्छा, मतलब जैसे ऑपरेटर्स में 2,000 दिरहम से 3,000 दिरहम तक सैलरी रहती है। तो जैसे आप जेसीबी चलाते हो तो आप कोई भी मशीन चला सकते हो या अलग अलग? अच्छा, मोहम्मद भाई एक ऑलरेडी मेन गल पूछनी सी कि जैसे अपने मुल्क जो मशीनरी है जो हम काम करते हैं जेसीबी वाले, उसमें और दुबई के मशीनरी में, दुबई के काम में क्या फर्क है? उसमें और इसमें फर्क यही है कि ये उधर नहीं है मशीन,
अच्छा ठीक है, और दूसरी हैं दो जो हैं, जैसे ये एक्सकेवेटर, जैसे एक्सकेवेटर मुल्क में पाकिस्तान में है जी, और जैसे बॉबकैट वहाँ पर नहीं है, बॉबकैट नहीं है, और ये वाला नहीं है, ये जो जेसीबी, अच्छा ये बूम लोडर जो है ये वहाँ पाकिस्तान में नहीं है जी। और काम के बारे में कैसा है? जैसे काम तो इधर ठीक है, क्योंकि इसमें उधर से मेहनत करने से ज़्यादा इधर ठीक है, अगर मेहनत का यहाँ पे अगर मेहनत बंदा करे तो काम बहुत है अगर। अच्छा हाँ। और जिवें पंजाबी कहंदे हैं भी इत्थे मेहनत दा मुल पैंदा है। जी हाँ बिल्कुल सही गल है। ना लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा देना और ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें।